मैं जम्मू कश्मीर पुलिस को बधाई देना चाहता हूँ। नए कानूनों के तहत पहली FIR आज ही जम्मू कश्मीर पुलिस ने दर्ज कर ली है। 30 जून की आधी रात से अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानूनों की जगह 3 नए आपराधिक कानून, जिसके बारे में पूर्व के वक्ताओं ने विस्तार से बताया, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो गए हैं। उन तीनों कॉलोनियल कानूनों से देश को मुक्ति दिलाकर मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने संविधान के अमृत वर्ष में संविधान के मूल तत्वों, व्यक्ति की स्वतंत्रता, मानव अधिकार, सबके साथ समान व्यवहार, न्याय और लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर बनाए गए कानूनों को आज भारत लागू कर रहा है। भारतीय न्याय संहिता ने आज 1860 के IPC को रिप्लेस किया है। इसका फोकस, जैसा स्वाइन साहब ने बताया, रिस्टोरेटिव जस्टिस और विक्टिम के अधिकारों पर केंद्रित है। यह कानून केवल दंड पर फोकस न करके पुनर्वास और समाज में पुनः एकीकरण पर ध्यान केंद्रित करता है। मैं ये बताना चाहूंगा कि इसका उद्देश्य अपराध के मूल कारणों को एड्रेस करना है और अपराधियों को सुधार करने और समाज में सकारात्मक योगदान देने का अवसर भी प्रदान करने का है। इसी प्रकार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने अब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ऑफ 1973 को अब रिप्लेस किया है, जिससे त्वरित एवं निष्पक्ष ट्रायल सुनिश्चित किया जा सके, के माध्यम से मॉडर्न टेक्नोलॉजी के उपयोग पर विशेष रूप से बल दिया गया है, जिससे एविडेंस की एक्यूरेसी और इंटीग्रिटी दोनों सुनिश्चित की जा सकेगी। न्यायिक प्रणाली की विश्वसनीयता को मजबूत बनाने के लिए इस कानून के द्वारा डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन और फॉरेंसिक के महत्वपूर्ण टूल्स का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हो, इसकी व्यवस्था की गई। मैं समझता हूं यह आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के संकल्प को और मजबूती प्रदान करेगा और उसके समूल सफाई के अभियान को नई गति प्रदान करेगा। संगठित अपराध की भी व्याख्या मेरे पहले बताई गई है। भारतीय न्याय संहिता में राजद्रोह यानी सेडिशन को समाप्त कर दिया गया है, इसके स्थान पर देशद्रोह को शामिल किया गया है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों को इस श्रेणी में रखा गया है। जो भी व्यक्ति अलगाववाद, सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक गतिविधियों, अलगाववादी गतिविधियों की भावनाओं को प्रोत्साहित करता है, उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक संचार या वित्तीय साधनों का सहारा लेता है, वह देशद्रोह का अपराध माना जाएगा। मॉब लिंचिंग को भी नए कानून में जगह दी गई और उसमें न्यूनतम 5 साल की कैद से लेकर अधिकतम फांसी तक की सजा का प्राविधान किया गया है। मित्रों, इन नए कानूनों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि लोकतंत्र के 3 स्तंभ मिलकर आम आदमी की सुरक्षा करेंगे और उसे न्याय दिलाएंगे। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का एक स्टेटमेंट एंड आई कोट, न्याय को मजबूत प्रशासन देने के लिए संविधान निर्माताओं ने न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के बीच काम का बंटवारा किया है। पहली बार तीनों मिलकर दंड केंद्रित नहीं बल्कि न्याय केंद्रित क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम साबित होंगे। ईज ऑफ जस्टिस को सरल, सुसंगत, पारदर्शी और जवाबदेही प्रोसीजर के माध्यम से साकार किया गया है। कानूनों को लागू करने की प्रक्रिया के दौरान जो माइलस्टोन रखे गए थे, उसे प्रभावी तरीके से अचीव करने में जम्मू कश्मीर पुलिस और जम्मू कश्मीर प्रशासन सफल रही है। अब सभी स्टेक होल्डर्स की सामूहिक जिम्मेदारी कि लोगों की आस्था के अनुरूप निष्पक्ष, पारदर्शी और उचित न्याय प्रणाली के लिए स्वयं को हम समर्पित करें। इदम् मे ब्रह्म च छत्राणाम्।